رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. आपका टीचर अब्दुल मुईद मोहसिन एक और न्यू एमएस एक्सेल का लेक्चर के साथ हाजिर हुआ। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ रिमेनिंग ऑप्शंस जो लास्ट टाइम हमने चार्ट पे काम किया था, कुछ और शीटों पे काम किया था। तो अब आते हैं जो रिमेनिंग ऑप्शंस हैं उनको सीखते हैं, जो इम्पोर्टेंट बेसिक के ऑप्शन होते हैं। तो लेट्स गो स्टार्ट। तो हमारे पास ओपन में कर चुका हूँ माइक्रोसॉफ्ट एमएस एक्सेल। तो लास्ट टाइम मैंने आपको फॉन्ट एंड अलाइनमेंट तक हमने बता दिया था। अब आते हैं नंबर्स। नंबर्स क्या होता है? फॉर एग्जांपल आपने कोई अमाउंट टाइप किया, जिस तरह 10, 20, 30, 40, 50 लाइक दिस। अब ये नंबर हमारे, तो मतलब ये जर्नल पे है। तो हम नॉर्मल जो हम काम करते हैं वो जर्नल पे होता है। अगर मैं चाहता हूँ मुझे जैसे कि नंबरिंग में चाहिए या करेंसी में चाहिए, फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये डॉलरों के साइन है ना, यूनाइटेड स्टेट, इंग्लिश, यूरो, चाइनीज़ के। तो इस तरह फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से मैंने इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट क्लिक किया, अब जो मैं लिखूँगा तो वो डॉलर के हिसाब से $10, ये देखो डॉलर के साइन के साथ आएगा, $20, $30। तो ये डॉलर जितना लिखूँगा उस हिसाब से, डॉलर के हिसाब से ये शो करेगा। इसी तरह यहाँ पर अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ यहाँ तक, इसी तरह उसके बाद इंग्लिश यूनाइटेड किंगडम का आपको साइन शो करना है, तो इसी तरह मैंने $10, $20, तो ये इस तरह शो होंगे। इसी तरह फिर सिलेक्शन थोड़ा जूम कर लेते हैं। तो इसी तरह मैंने इसमें भी सिलेक्शन की और उसके बाद यहाँ के यूरो से ये चाइनीज़ पे तो चाइनीज़ के साइन आ जाएगा, तो ये इस तरह चाइनीज़ पे शो होगा। ओके, अगर रुपीज़ जैसे कि पाकिस्तानी का साइन आ जाए, आरएस होता है हमारे पाकिस्तानी, तो उसके लिए सिलेक्शन, उसके बाद हम जाएंगे जहाँ पर मोर फंक्शन अकाउंटिंग के होंगे, तो यहाँ पर हम उसको फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर पाकिस्तान आरएस होगा, उसको हम सिलेक्शन करेंगे। जब बाज़ूकात टाइम लगता है ढूंढने में, तो आप ढूंढेंगे आरएस के नाम से आएगा, पाकिस्तानी आरएस। सही है, जैसे कि सारे कंट्री के यूरो, फ्रेंच, सारे के साइन आते हैं, पैसों के साइन। अब देखिए पर चलो देखिए यश अगले ऑफिस ओनली वीडियो ये आ गया आरएस पाकिस्तानी एंड सिंधी तमिल। तो हमने उर्दू पाकिस्तानी पे क्लिक किया, ओके किया। अब जो मैं लिखूंगा यहाँ पर 10 रुपीज़, तो हमारे पाकिस्तानी 20 रुपीज़, 30 रुपीज़ एंड 40 रुपीज़ एंड 50 रुपीज़। तो इस तरह ये साइन होते हैं मतलब हर कंट्री के पैसों की। तो यहाँ पर इस तरह आप शो करेंगे इसको सिलेक्शन। उसके बाद ये परसेंटेज आप चाहते हैं, जब मैं कोई चीज़ डील लिखूँ तो परसेंटेज का साइन आ जाए। तो जब भी मैं यहाँ पर लिखूँगा भाई 30%, तो उसके साथ साइन भी आएगा 20, तो ऑटोमेटिकली उसके साथ इसका साइन भी आएगा। इसी तरह आगे चलते हैं।
उसके बाद जैसे कि कॉमा जब आना चाहिए, जैसे 10,000 हम लिखते हैं, 20,000, 30,000, 1,00,000, 2,00,000, तो उसके साथ कॉमा के साथ हमें पता चले डिजिट की, तो मैं सिलेक्शन करूँगा, उसके बाद कॉमा पे क्लिक करूँगा। तो ये क्या होगा, जब भी मैं कुछ लिखूँगा, जैसे मैंने लिखा 1,000, तो देखो इस तरह डिजिट ज़्यादा हो जाएंगे। फिर इसी तरह मैंने लिखा 10,000, तो ये 10,000 हो गया। इसी तरह मैं लिखा 50,000, पाँच लाख हो गए, सॉरी। तो इस तरह तो कॉमा शो में, अच्छा इसमें इसी तरह डिजिट आपको करने हैं, यहाँ से डिजिट कम कर सकते हैं, जैसे आपको पता चल रहा है ये 1,000 है, ये 10,000 है, ये 50,000 है, तो यहाँ डिजिट ज़्यादा हो सकते हैं और डिजिट कम हो गए हैं। तो ये कस्टम है, आप कस्टम में रखा हुआ जो नॉर्मल होते हैं वो जर्नल में, आपका ये जर्नल में होगा। उसके बाद ये फॉर्मेटिंग है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग होती है, मतलब ये ग्रेटर देन से जो भी अमाउंट अबव होगा वो इस कलर ग्रेटर देन का शो करेगा। इसके ऊपर आगे मैं इसके ऊपर टॉपिक पे बात करूँगा। अब आते हैं इंसर्ट में। अच्छा इंसर्ट का काम क्या है, जैसे बेसिकली अब जैसे मैंने एक डेटा लिखा हुआ है या टाइप किया हुआ हूँ, लेकिन मैं भूल गया हूँ कि मुझे इससे पहले कोई और चीज़ लिखना था, जैसे ये अब इससे पहले कुछ और लिखना था, लेकिन मैं चाहता हूँ मेरा काम ख़राब ना हो, तो मुझे एक कॉलम चाहिए या रो चाहिए, सेल चाहिए, तो आप इस पर इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, तो इंसर्ट सेल करेंगे। अब कहता है डाउन में चाहिए लेफ्ट में, जैसे मैं कहता हूँ राइट में, तो वो सेल की जगह पर एक सेल मुझे दे देगा। तो ये था, आपको गलती से आपने वो सेल के अंदर नहीं लिखा, भूल गए, तो बाद में भी हम लिख सकते हैं, इसके बिना पर ले सकते हैं। इसी तरह इंटर रो कहता है इससे पहले एक रो चाहिए था जो मैंने नहीं लिखा, तो इस तरह वो नीचे आ जाएगा, ऊपर आप लिख सकते हो। इसी तरह यहाँ से भी कर सकते हो, उसके अंदर से भी कर सकते हो। इंटर कॉलम, इससे पहले एक कॉलम चाहिए, तो ये आपको एक कॉलम दे देगा। और इंसर्ट शीट, मतलब इससे पहले एक और शीट चाहिए, तो इससे पहले आपको एक शीट मिल जाएगा। तो ये जितने भी थे देने वाले अमल, मतलब आपको इजाफी गलती से आपने कम ले लिया तो इजाफी कर सकते हो। अब जैसे ज़्यादा ले लिया उसको कम करना, तो डिलीट शीट पहले। अब जैसे मैंने एक कॉलम लिया था तो मैं कॉलम डिलीट कर लिया, एक रो लिया था तो एक रो डिलीट कर लिया, एक सेल लिया था तो एक सेल डिलीट कर लिया। तो ये इस तरह, अगर आपने इजाफी लिया होगा, कुछ किया हो, तो आप इस तरह कर सकते हो। और अगर आपने कम लिया हो तो उसी बॉक्स पे रखेंगे, तो जब क्लिक करेंगे जो भी चाहिए कॉलम को, तो आपको आपके स्क्रीन में मिल जाए। उसके बाद है फॉर्मेट। अब फॉर्मेट का काम क्या होता है, रो हाइट। अब जैसे बेसिकली रो हाइट कितने, 15। अगर मैं यहाँ भी रखूँगा तो फिर भी आपको रो हाइट कितना बता रहा है, 15। अगर मैं इसको छोटा कर लेते हैं, अब देखते हैं कितना बताता है, 15 ही बताता है, क्योंकि रो की जो हाइट है वो 15 ही है। उसके बाद ऑटो फिट रो, मिसाल के तौर पर आपके गलती से आपके रो इस तरह खुल गया, अब आपको डायरेक्ट फिट करना है, तो आपने कॉलम फॉर्मेट में जाके ऑटो फिट, तो वो अपनी जगह फिर से आ जाएगा। इसी तरह उसके बाद है कॉलम विथ। कॉलम की विथ कीजिए 5.71। अगर हम इसको डिफ़ॉल्ट कर, रियल जो लिखेंगे वो डिफ़ॉल्ट होता है, तो 8.43 का साइज़ होता है किसी भी कॉलम का। ये देखें, यहाँ भी रखूँगा, अगर डिफ़ॉल्ट को लिखूँगा 8.43 और यहाँ देखूँगा 8.43, तो नॉर्मल जो डिफ़ॉल्ट का साइज़ होता है वो 8.43। उसके बाद है हाइट, जैसे मुझे ये दो लाइन हाइड करने छुपाने हैं, तो हाइट, तो ये रो हाइड हो गए। इसी तरह मुझे ये कॉलम छुपाने, तो मैं क्या करूँगा, रो हाइड कॉलम्स, ये कॉलम हाइड हो गए। इसी तरह दोबारा मुझे अनहाइड करने, तो अनहाइड कॉलम्स एंड अनहाइड रोज। इसी तरह पूरा शीट आपको हाइड करना है, तो अनहाइड शीट। अच्छा अनहाइड शीट इसीलिए नहीं होगा कि अगर दो होते, अगर मैं इस पर काम करता तो शायद ये करता,
इसीलिए इसने एक ही कॉलम पे किया हुआ है, सीधे नहीं किया। तो अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँ और इस शीट को हाइड करूँ तो देखें, अब देखो वो शीट दो नंबर शीट हाइड हो गई, तो कोई शीट होनी चाहिए इसके बराबर में। तो उसके बाद अनहाइड शीट, ओके, तो वो शीट दोबारा शो होगा। इसी तरह रीनेम शीट, अगर आप अपने शीट को रीनेम देना चाहते हो, मिसाल के तौर पर आप किसी स्कूल में काम करें ऑफिस में, तो आप कह सकते क्लास क्लास वन, वन का मार्कशीट हो या सेल शीट हो, कुछ भी हो, तो आप इस तरह क्लास वन, इसी तरह राइट क्लिक से भी रीनेम कर सकते हो। तो इसी तरह यहाँ पर आएंगे फॉर्मेट रीनेम, तो यहाँ हटा के जैसे क्लास थ्री, तो हमने क्लास थ्री, तो इस तरह टाइप भी कर सकते हैं हम चीज़ों को। उसके बाद है मूव और कॉपी शीट। मिसाल के तौर पर क्लास वन आपने या क्लास थ्री बाद में लिखा, वन में लिखा, तो आप मूव भी कर सकते हैं। सर मुझे क्लास वन लास्ट में लाना है, ये देखो यहाँ आके इतने ही फाइलें होंगे, तो आके पीछे आप ऊपर नीचे होंगे, तो आप कर सकते हो। दोबारा उसी हालत में रखना है, तो दोबारा मैं क्लास थ्री की जगह पर रखूँगा, तो ये दोबारा मेरी जगह पर आ जाए। उसके बाद है कलर, आपको चूज़ करना है, जैसे रेड कलर देना है तो ये कलर रेड में शो होगा। इसका कलर अगर आपको चेंज करना है तो इसका कलर चेंज हो जाएगा ग्रीन, तो ये देखें ग्रीन हो गया, येलो तो येलो। तो कलरिंग पे भी आप अपने शीटों की कलरिंग कर सकते हैं। उसके बाद है प्रोटेक्ट शीट, हिफाजत करना, जैसे वन टू थ्री, ओके किया मैंने। फिर इसी तरह वही पासवर्ड को दोबारा आपने लगाना है, वन टू थ्री जो नॉर्मल है। अब जो लिखेंगे वो लिखाई नहीं हो, तो पासवर्ड लग गया, उसको हम सेव भी कर सकते हैं इसी फाइल को नाम से, कोई हाथ नहीं लगाए। तो दोबारा आप दोबारा जाएंगे फॉर्मेट में, अनप्रोटेक्ट शीट वन टू थ्री, इंटर करेंगे, अब वो फिर से लिखना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह अपने फाइल को आप पासवर्ड लगा सकते हैं फॉर्मेट की। फॉर्मेट सेल यह हम सीख चुके हैं, यहाँ पर नंबरिंग है, आज भी सीख चुके हैं, यह अलाइनमेंट है, आप यहाँ से भी सिखा चुका हूँ मैं आपको, फॉन्ट है, फॉन्ट भी सिखा चुका हूँ, बॉर्डर है, तो ये सारे यहाँ से भी आप ला सकते हैं उस चीज़ को, ऑप्शन को, और यहाँ से भी। उसके बाद है ऑटो सम। ऑटो सम क्या होता है, डायरेक्ट फार्मूला बगैर फार्मूला के आप लगा सकते हैं, जैसे कि अब जो जो यहाँ क्लिक करूँगा तो ये तो यही आएगा। अब मैं नेक्स्ट शीट में आपको शो करूँगा, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा 34, 67, 39, 40, फॉर एग्जाम्पल ये अमाउंट है, इनको टोटल करने 34, 67, 89 और 90 कितने हो गए, तो हम इसको सिलेक्शन देंगे, ऑटो सम क्लिक करेंगे, तो मुझे 280 डायरेक्टली बगैर, वो खुद ब खुद ऑटो सम करेगा। ऑटो सम का मतलब ये डायरेक्ट टोटल निकालना। तो इस तरह आप अगर यही रकम मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ भी है, पेस्ट करेंगे, अब इनकी सबकी निकालनी है, तो आप सिलेक्शन करेंगे, ऑटो सम करेंगे, तो सबके सब, क्योंकि अभी अमाउंट सेम है, तो इस वजह से सबके सब इस तरह टोटल निकल सकते हैं। इसी तरह इनका एवरेज निकालना हो, आपको एवरेज के लिए सिलेक्शन होती है, इस तरह सेलेक्ट एवरेज, तो आपको एवरेज निकाल के शो करेगा। उसके बाद है काउंट नंबर्स, काउंट नंबर, अगर यहाँ पर नाम हो, कुछ भी हो, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर कुछ नाम लिख लेते हैं, अली, सलमा, नवीद, बिलाल, तो इस तरह मैंने कुछ नाम लिख लिए। अब मैं सिलेक्शन करना चाहता हूँ उसको, तो काउंट नंबर्स, तो इसने काउंट नंबर कितने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हैं, लेकिन उन्होंने 6 कर लिए, क्योंकि नंबर्स कह रहा था काउंट, क्या शो कर रहा था हमें, काउंट नंबर्स, तो ये नंबर्स नहीं है, ये हमारे अल्फाबेट है, इस वजह से इसने चूज नहीं किया इसको। उसके बाद है मैक्स। मैक्स का मतलब तब होता है इस पूरे रो में कौन सा नंबर मैक्सिमम है, सबसे ज़्यादा है,
नंबर है, तो 280 इस अमाउंट में ज़्यादा इस लाइन में, तो इस तरह आप काउंट मैक्सिमम निकाल सकते हैं। मिनिमम इसी तरह कौन सा नंबर सबसे कम है, तो 6 ही होंगे मिनिमम, तो 6 आपका सबसे कम नंबर है। जैसे पेपर में आप मार्कशीट क्या कहते हैं, स्टूडेंट के मार्कशीट में जैसे कम नंबर कौन से पेपर में डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं इसके ऑटो से। तो और भी मोर फंक्शन है, बाकी एडवांस के होते हैं, अपर लिंक के अकाउंट है, चीज़ें हैं, ये सारे एडवांस में आ जाते हैं। उसके बाद है फिल डाउन, ये मैंने आपको बता दिया कि फिल डाउन, राइट डाउन, अप, लेफ्ट, फॉर एग्जांपल इसी तरह मैंने कहा था कि आप कोई भी चीज़ लिखेंगे, जैसे कि ये है, अब आपको आप चाहते हो ये इस तरफ सारे रकम आए तो कंट्रोल आर, अगर आप चाहते हैं नीचे भी आ जाए कंट्रोल डी, अगर आप चाहते हैं ये ऊपर आ जाए तो ऊपर भी आ सकते हैं, जैसे कि आप देखो आप हो गया, अगर आप इसको क्या कहते हैं राइट में लेना चाहते हैं तो ये ऑप्शन वाइज हो रहे हैं, अच्छा राइट, तो देखो राइट हो गया। अगर आप इसको लेफ्ट में लेना चाहते हैं तो मैं लेफ्ट से करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पर लेफ्ट करेंगे तो लेफ्ट में हमें शो करेंगे। तो इस तरह ये अमाउंट किसी भी डुप्लीकेट कॉपी पेस्ट डाउन फिल, राइट फिल, अप, लेफ्ट, राइट। उसके बाद सीरीज़ ऑप्शन है, सीरीज़ में क्या क्या है, मिसाल के तौर पर इनको मैं थोड़ा ख़त्म कर लेते हैं, डिलीट, तो ज़ूम करते हैं। तो सबसे पहले इसके बाद है सीरीज़ ऑप्शन, सीरीज़ में जैसे कि हमने काउंटिंग सीरियल नंबर लाना हो तो वन प्रेस करेंगे, सिलेक्शन, उसके बाद फिल सीरीज़। अब यहाँ आपको चाहिए रो में, तो रो में कैसे देगा, इस तरह देगा, तो देखिए मैं लिखता हूँ 10 फॉर एग्जाम्पल, ओके किया, देखो ये आपको इस तरह शो करेगा। अगर आपको कॉलम में चाहिए तो हम फिल में जाके सीरीज़, तो हमने वैल्यू कॉलम्स 6 कटा के रो से कॉलम जितने चाहिए 10, तो 10 आपको 10 मिल जाएंगे इस तरह, तो ये कॉलम वाइज ये रो वाइज। उसके बाद है सीरीज़ में ऑप्शन है, जैसे कि डेट है, डे है, वीकेंड है, मंथ, ये कैसे यूज़ होते हैं, फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर शो करके बताता हूँ, ये बल्कि हम इन सीरीज़ को डिलीट करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने 01/01/2020 और यहाँ पर तो ओके। अब जैसा कि यहाँ पर मुझे सिलेक्ट किया मैंने फिल सीरीज, अब मुझे डेट मालूम, डे मालूम करना है, डेट यून ओके करेंगे तो जितने भी डे होंगे वो आपको शो करेगा, ये सारे डे हैं, मतलब फर्स्ट डे, सेकंड डे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 डे, पूरे मंथ के डे आपको शो करेगा, इतने दिन होते हैं, मतलब 30, 31, अब देखो 31 दिन होते हैं, फिर पहली, फिर दूसरी, तीसरी शुरू हो जाता है अगले महीने से, तो कोई मंथ 31 का होगा कोई मंथ, अब जैसे कि 28 का भी मंथ होता है। उसके बाद इसको सिलेक्शन देंगे, अब ये मुझे ये वीक बताएंगे, क्या शो करेंगे वीक, तो फिल में जाके सीरीज, तो यहाँ पर वीक डे, वीकेंड, अब इसमें दो, तो 1 और 2 गायब है, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 गायब है यहाँ पर, तो क्या हो सकते हैं, क्योंकि वीकेंड में दो छुट्टियाँ होती हैं, सैटरडे संडे, अगर हम मालूम करना चाह रहे हैं तो फर्स्ट महीना है तो पहली तारीख जो है आपका, लेकिन यहाँ पर 4, 5, 4, 5,
अच्छा ये 2021 है कैलेंडर, सॉरी। तो इसमें जाएंगे, ये आ गया पहला महीना 2021। तो यहाँ पर सैटरडे है फर्स्ट फर्स्ट, एंड यहाँ पर संडे 2 तारीख। तो ये देखो 2 तारीख संडे है, तो 2 को ये शो नहीं कर रहा, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 को शो नहीं कर रहा। तो 8 सैटरडे 9 संडे है, तो 10 है। तो इस तरह आप सही वीकेंड आपको शो कर रहा है। इसके बाद इसी तरह सिलेक्शन हमारी होती है, फिल सीरी सॉरी सीरीज ऑप्शन मंथ। अब हमें ये मंथ बताएंगे, पहला महीना, दूसरा महीना, तीसरा, छठा, सातवां, आठवां, 10, 11, 12, फिर 2023 शुरू होगा। इसी तरह 1, 2, 3 ये मंथ बता रहे हैं। अब हमें ये ईयर बताएंगे, फिल सीरीज ऑप्शन ईयर। तो हमें ये ईयर बताए, 2022, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, तो पूरा ईयर बताएंगे। तो ये था आपका सीरीज ऑप्शन में सीरीज लाना इस तरह, या आपका फुल डे, या आपका वीकेंड, और या आपका मंथ, और या आपका ईयर। और अगर आपको टेबल चाहिए 2 का, तो आप टेबल ला सकते हैं डायरेक्टली, फिल सीरीज ट्रेड करेंगे, ओके करेंगे, तो वो खुद समझ जाएगा इस तरह। अब जैसे क्योंकि टेबल आपको 13 का नहीं आता, 14, तो आप डायरेक्ट सिलेक्शन दो के सीरीज थ्रेड दबाएंगे, ओके करेंगे, तो ये सीरीज इसका आ जाएगा 30, 30, 26, 33, 39 इस तरह आपने। तो ये था आपका फिल्म में जाके सीरीज ऑप्शन। उसके बाद एक क्लियर, क्लियर क्या करना, ये थोड़ा मैं इसको भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर शो करूँगा कुछ चीज़ बना के, मर्ज बोल्ट साइज बड़ा कर लिया, कलर किया, वर्ड का कलर किया, मैंने यहाँ पर कुछ भी लिख लिया, फॉर एग्जांपल हाउस। तो ये सिर्फ आपको एग्जांपल दे के बता रहा हूँ, आप इनमें भी अप्लाई कर सकते हो ऑप्शनों को, लेकिन मैं आपको यहाँ पर सिर्फ एक तरीक़ाकार के हिसाब से बता रहा हूँ, ताकि आपको ऑप्शन। अब जैसा ये सबसे पहला ऑप्शन है क्लियर ऑल, तो ये इस पूरे को क्लियर करेगा। अगर इनको भी कर सकता हूँ क्लियर, तो क्लियर ऑल करूँगा, तो सारे यहाँ से ख़त्म हो सकते हैं। तो क्लियर ऑल का मतलब ये होता है, तो यहाँ पर क्लियर ऑल कर लिया। उसके बाद एक क्लियर फॉर्मेट्स। अब फॉर्मेट क्या होता है, जैसे मैंने इसमें साइज बड़ा किया है, इसमें कलर दी है, बॉर्डर दी है, इन चीज़ों को ये ख़त्म करके मुझे जैसा था ये वर्ड वैसे ही करके दिया, ये देखिए क्लियर फॉर्मेटिंग। मैं भी दबाता हूँ फिर से। इसी तरह तीसरा ऑप्शन है क्लियर कंटेंट्स। अब ये वर्ड को ले जाएगा, तो कंटेंट ये होता है। उसके बाद है क्लियर कमेंट्स। अब कमेंट है नहीं तो नहीं होगा कुछ भी। अब जैसे मैं कोई लिखता हूँ चीज़ अली, अब जैसे मुझे इसको कमेंट देना है, तो कमेंट का ऑप्शन रिव्यू में आता है न्यू कमेंट। अब यहाँ पर मुझे कुछ भी लिखना हो तो मैं लिखूँगा, जैसे कि अली इज अ गुड स्टूडेंट। अब जब भी मैं इस पर शो करूँगा, ये मुझे कमेंट इसका शो करेगा। इस तरह बहुत सारे कमेंट भी आप लिख सकते हो, या कोई ऐसा काम याददाश्त करने के लिए आप लिख सकते हो। अब यही कमेंट हम यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। तो आपको यहाँ से ऑप्शन सिखाने वाला था कि जब भी हम जा रहे हैं तो उसका एक बॉक्स खोल के शो कर रहा है। अब आप चाहते हो कि ये शो ना करे, तो आप यहाँ पर क्लिक करें, क्या लिखा हुआ, क्लियर कमेंट्स। अब देख सकें देखो रेड वो पॉइंट भी हटेगा, तो इससे ख़त्म इस तरह होता है। क्लियर हाइपर लिंक्स। अब लिंक हाइपर लिंक्स देंगे तो शो होगा, भी कुछ भी नहीं करेगा। तो इस तरह जो चीज़ काम होता है उस पर काम करें। उसके बाद है सॉर्ट। सॉर्ट का मतलब है तरतीब देना। सॉर्ट का मतलब तरतीब देना, जैसे एक लिस्ट है हमारे पास नाम के, जो बेतरतीब नाम है। मिसाल के तौर पर मैं आपको कुछ हर हर नाम का एक करेक्टर लिखते हैं, डी क्यू जेड टी बी ए यू और पी ई
شيء ال اي بي دبليو. अब फॉर एग्जाम्पल ये मैंने कुछ मतलब अल्फ़ाबेट लिख लिया, मैं चाहता हूँ तरतीब पहले ए जितने भी ए हैं तो वो ए आ जाए, नाम आ जाए, इस तरह सिलेक्शन सॉर्ट ओके. तो ये देखें अगर आपका ऐसा डेटा हो उसमें मतलब आपके नाम हो और डेटा भी हो तो आप उस डेटा को पूरे सिलेक्शन दोगे इस तरह, तो उसके डेटा भी उसी हिसाब से आएंगे जो आप कर रहे हो, क्योंकि अदरवाइज अगर आप इसको सिर्फ तो डेटा ख़राब भी हो सकता है, तो सिलेक्शन दे के आपने करना होता है. तो ये देखो जितने ए थे ए के अल्फाज थे अल्फ़ाबेट थे तो ए आए, फिर बी फिर डी फिर सी नहीं है तो ई जी, इस तरह ये तरतीब आ गया. तो इस तरह सॉर्ट आपने वर्ड में भी किया था सॉर्ट. उसके बाद एक कस्टम सॉर्ट, खुद से चूज़ करना किसको पहले लाना है क्या करना है तो वो आप कर सकते हैं. उसके बाद है फिल्टर लगाना. फिल्टर का मतलब होता है जैसे कि कोई डेटा आपको देखना हो कंपनी लाइक, एक मिनट डेटा देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक डेटा है. अब मैं चाहता हूँ मुझे सिर्फ अब्दुल मोहिमिन के ही देखने हैं बाकी नहीं देखने, या कोई और डेटा है इस तरह, तो हम क्या करेंगे इसको सिलेक्शन देंगे और यहाँ आके सॉर्ट में फिल्टर, तो इस तरह इसमें एक पॉइंट आ जाएगा. अब मुझे सिर्फ मोहिमिन का देखना है तो मैं ये सारे चेक हटा के अब्दुल मोहिमिन पे क्लिक करूँ तो मुझे सिर्फ अब्दुल मोहिमिन का ही रिकॉर्ड शो करेगा. इसी तरह अगर क्लास वन है क्लास टू है थ्री है, आप चाहते हो सिर्फ क्लास वन के जितने भी डेटा होंगे तो आपको इस तरह फिल्टर हिसाब से फिल्टर करके शो करेगा. दोबारा आप दोबारा देखते हैं शो करेंगे तो आपके पास दोबारा ये आ सकते हैं. तो यहाँ से ये फिल्टर यूज़ करते हैं, ख़त्म करना है इसी को, दोबारा आप सिलेक्शन दोगे इस तरह सिलेक्शन और फिल्टर हटा दिया तो ये शो नहीं होंगे. उसके बाद है फाइंड, फाइंड मतलब तलाश करना. जैसे मुझे फाइन जितने भी अमाउंट होंगे 10 फाइन करके दिखाएगा फाइन, तो ये कॉलमों में जाके फाइन करता जा रहा है. ये फाइंड बिगिनिंग टेस्ट पेपर 20 10 कहाँ कहाँ शो हो रहा है पूरा आपको बता रहा है कि जितने जितने जगह पे फाइन चू हो चुका है. तो फाइन का मतलब तलाश करना. इसी तरह अगर आपने तलाश करना है टोटल टी ओ टी है टोटल, तो आपको फाइन करेगा टोटल टोटल ग्रांड टोटल टोटल टोटल, तो यहाँ पर इस तरह. इसी तरह रिप्लेस करना चेंजिंग करना, जैसे कि यहाँ पर 10 हमने फाइन किया, 10 के जगह पे आपको कुछ और लिखना है, मतलब जहाँ जहाँ 10 है उसमें आपने लिखना है 20. यहाँ 10 हमने लिखा तो नीचे आपने रिप्लेस पे क्लिक करना 20, तो जितनी जगह पे 10 होंगे रिप्लेस होल करेंगे ओके करेंगे तो ये देखो 20 20 जितने जगह पे 20 है तो 20 आएंगे. दोबारा आपको तो 20 को ऊपर लिखेंगे 10 को नीचे लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली सारे फिर से रिप्लेस होल करूँगा, देखो 10 सारे 10 10. तो ये फाइंडिंग रिप्लेस. उसके बाद है गो टू. गो टू का मतलब था जाना. अब आपको कह रहा है कहाँ जाना है, अब स्पेशल में आए कमेंट देखो मैंने नहीं है तो कमेंट में नहीं है, कंटेंट सेलेक्ट करेगा तो ये सारे कंटेंट इसने सिलेक्शन की है. ये सिलेक्शन इसलिए फॉर्मूले हैं तो ये सारे जितने भी कंटेंट हैं इसने सिलेक्शन कर लिया. इसी तरह फाइंड गो टू स्पेशल में जाएंगे. अब आप चाहते हो फॉर्मूला शो करें
तो ये देखो जितने भी इसने फॉर्मूले सिलेक्शन कर लिए, कहते ये फॉर्मूले हैं आपके। तो गो टू जितने भी चीज़ मतलब होंगे, अब जैसे ये ब्लैंक करंट ऑब्जेक्ट नहीं है तो नहीं करेंगे ऑप्शन यूज। तो यहाँ सही, तो ये है आपका होम हमारे पास कंप्लीट, बाकी ये हम इसे और दिन। उसके बाद इंसर्ट, इंसर्ट में है सबसे पहला ऑप्शन है पिक्चर्स। अच्छा ये टेबल है, पायो टेबल होता है सही, ये भी रिकॉर्डिंग का काम करते हैं, रिकॉर्ड किसी भी डेटा को रिकॉर्ड कैसे आपको कॉलम वाइज रो वाइज शो करना हो तो आप कर सकते हो, तो ये भी एडवांस का काम है। ये फिल्टर वाइज टेबल बनेगा और यहाँ पर पिक्चर है, इसी तरह पिक्चर्स, पिक्चर अगर हमारे पास अवेलेबल है तो हम कोई भी चीज़ पिक्चर मतलब लोगो हो सकते हैं, कुछ भी हमने यहाँ पर आके लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से मैं कोई भी चीज़ एक को हम यहाँ पर लगा के प्रिंट निकाल सकते हैं, कोई चीज़ें कर सकते हैं। अब इसमें शेड कहते हैं पिक्चर स्टाइल आप दे सकते हो, सिखा भी चुका हूँ। तो यहाँ लोगो वगैरह होते हैं किसी कंपनी कंपनी के, आप लोगो लगा के प्रिंट निकालना चाहो तो इस तरह छोटे होते हैं, इस तरह यहाँ रखते हैं। तो ये पिक्चर का काम हो गया। उसके बाद है ऑनलाइन पिक्चर, जैसे कि वर्ड में आपको पहले बताया 2007 में, अभी हमारे पास नेट ऑफ हो चुका है तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो वो नेट से ओपन हो जाएंगे। शेप्स से, शेप्स में भी आप कुछ बना के टाइप कर सकते हो, चीज़ें कर सकते हो, जैसे यहाँ पर आपने कुछ चीज़ें लिखना हो, जैसे आपने नॉर्मल मोटिव एकेडमी सही है, तो आप यहाँ पर मर्ज करके यहाँ से वर्ड आर्ट वगैरह भी लिख सकते हो। इस तरह डिज़ाइन देखना चाहो तो उसमें राइट क्लिक एड टेक्स्ट सेंटर करना है, सेंटर किया, साइज बढ़ा दिया, अब जैसे आपने लिखा सिलेक्शन फॉर्मेट डिजाइन देना है, ये डिजाइन और साइज हमने बढ़ा दिया, बोल्ड कलर चेंज करना हो तो कलर हम चेंज कर लेंगे। तो इस तरह भी आप टाइप करके यहाँ पर रख के फिर उसके बाद नीचे से अपने अमाउंट को लिख सकते हो। फिर डिज़ाइन में भी बॉक्स के अंदर आपको लिखना हो तो आप बॉक्स के अंदर लिख सकते हैं। तो शेप्स का काम, कोई भी चीज़ आपने बनाना हो यहाँ पर बना सकते हो आप चीज़ों को। उसके बाद ये स्मार्ट आर्ट, ये भी कर चुके हैं हम, इस पर भी आप लिखना चाहो या सर्कल बनाना चाहो इस डिज़ाइन में, तो इसमें भी आप कोई चीज़ शो करना चाह रहे हैं तो आप इस छोटा सा डेटा बना के टाइप कर सकते हैं। ये मैं आपको ऑप्शन बता रहा हूँ कि इनके काम क्या है। तो वर्किंग जैसा भी जितना आप इम्प्लीमेंट करोगे इतना स्क्रीन शॉट निकालना है। स्क्रीनशॉट आप इसका भी निकाल सकते हो, जैसे कि पिक्चर्स ये निकल के आ गया। तो ये आपको 2007 में तो नहीं होगा, ये ऑप्शन 2013 या 16 में अवेलेबल है। ये देखो इस तरह डेटा आपका पिक्चर फॉर्मेट में स्क्रीनशॉट में निकल के आ गया। किसी फाइलों में आप लगा सकते हो, तो ये है आपका स्क्रीनशॉट। उसके बाद ये भी नेट के ऊपर हम चलते हैं सही है, और ये आपको मैंने लास्ट टाइम बता दिया था पूरा आपको इसके बारे में चार्ट के हवाले से। उसके बाद है हाइपरलिंक, हाइपरलिंक लिंक देना, जैसा वर्ड में भी आपको शो करे किसी चीज़ को लिंक देना चाहते हो, वर्ड का फाइल यहाँ से खोलना चाह रहे हैं आप, सिलेक्शन हाइपरलिंक, तो वर्ड का फाइल कहाँ पड़ा हुआ है, मिसाल के तौर पर आपका
डेस्कटॉप में पड़ा हुआ है, किसी भी फाइल को आपने, जैसे कि इस फाइल को आपने क्लिक किया, ओके किया, अब इसमें क्लिक करूंगा तो उस फाइल का लिंक खुल जाएगा इस तरह। तो जितने एक टाइम पे 10 भी लिंक आप बना के कर सकते हो, हर किसी का आप डेटा, जैसे कि आपको एक ऐसा डेटा बनाना चाह रहे हैं कि जब भी मुझे नीड हो उसके बारे में मालूमात मिले तो आप उसमें पहले बनाओगे सबको कि भाई कितने कराची के टाउन है, तो यहाँ पर आपने एक नाम लिखा, कोई ऐसा मतलब रिकॉर्ड आपने बनाया हुआ है, आप जिस इस पर क्लिक करते जाओगे वो रिकॉर्ड भी खुलेंगे, आप पढ़ भी सकोगे। इस तरह आपको पहले सबके चीज़ें बनाने पड़ेंगी आपको, उसके बाद फिर आप जो भी लिंक देंगे उस हिसाब से चलेगा। इसके बाद हेडर एंड फूडर जब अगर मैं यहाँ खोलूँगा तो ये, अब देखो यहाँ पर 2007 में यहीं पर खुलता है पेज के अंदर, तो यहाँ पर डायरेक्ट खुल गया। तो कस्टम हेडर में जाएंगे तो यहाँ पर ये सेंटर टॉप में होता है, आप कुछ भी लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, जैसे कि मैं लिखता हूँ फॉर एग्जांपल 12 साइज रखा बोल्ड, कोई सा भी एक राइटिंग आपने चॉइस करना है इसमें, तो फिलहाल हम एक रख लेते हैं। अब इसमें मैंने टाइप किया इस तरह, मैंने ओके कर दिया तो ये देखो टॉप में आ जाएगा। उसके बाद कस्टम फूटर है, नीचे का हिस्सा होता है, उसमें आप अपना एड्रेस वगैरह, पेज नंबर वगैरह लिखना चाहते हो, कौन सा पेज है आपका 12। अब यहाँ पर आपने लिखा पेज नंबर 1 फॉर एग्जाम्पल, सेंटर में आप अपना एड्रेस या कंप्यूटर कुछ भी लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो इस तरह बोल्ड 12, जैसा कि मैंने लिखा मोटर कंप्यूटर। और यहां पर हमने लिख लिया 14 या कुछ भी, यहां पर टाइटल डिजाइन बाय दिस डिजाइन बाय फला फला, मैं यहां पर लिखता हूं MC मतलब शॉर्ट, ओके। तो यहाँ पर ये ओके किया, अब यहाँ पर आपको शो नहीं करेंगे, ये आपको प्रिंट प्रीव्यू में जब आप प्रिंट निकालेंगे तो वहाँ पर प्रिंट पे क्लिक करेंगे, ये आपके सामने आ गए वो मोटिव, ये आपके सामने इस तरह। तो हेडर फूटर आप एड्रेस वगैरह अपने शीटों में आप लगा सकते हैं, तो यहाँ से हेडर पे क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिक मिल, लेकिन आप 7 में करेंगे तो यहीं पर आप जब क्लिक करेंगे तो आप इसके स्क्रीन में ही शो होगा। उसके बाद ये वर्ड आर्ट से ये है, आप इसमें डिज़ाइन करना चाहते हो तो ये इस तरह खुलेगा, जैसे कि मोटिव अकेडमी नॉर्मल लिखा हुआ आप इसमें भी लिख सकते हैं। इस डिज़ाइन बन जाएंगे तो यहाँ पर आप हेडिंग की जगह पे ये आप टाइप कर सकते हो, ये बॉर्डर दे सकते हो आप इस तरह के, ये डिज़ाइन है, ये डिज़ाइन है, जो भी आपको अच्छा लगे वो आप यहाँ से दे सकते हैं, बना सकते हैं। उसके बाद है इंसर्ट, अच्छा ये भी बता चुका हूँ मैं, ये है ऑब्जेक्ट, जैसे कि यहाँ से किसी और सॉफ्टवेयर में जाना, जैसे मैं पेंट में जाना चाहता हूँ, वहाँ से कुछ चीज़ बनाते हुए ये पेंट ठाके, अब आपने यहाँ पर जो भी ड्रॉ करोगे तो वो शो करेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर एक पेप्सी का लोगो बनाते हैं, इसका कलर नॉर्मल रखते हैं, और यहाँ से मैंने लिया कर्व टूल, और यहाँ पर इसके बाद मैंने कलर फिल किया, यहाँ पर मैंने कलर दे दिया, अब इसको मैंने कर लिया तो छोटा। अब जब मैं यहाँ पर क्लिक करूँ ऑटोमेटिक वो चीज़ यहाँ पर आ चुका है। तो ऑब्जेक्ट का मतलब कोई भी चीज़ यहाँ से वहाँ से आप बना के ला सकते हो इस तरह, ऑब्जेक्ट का काम ये है। इसके बाद इक्वेशन मैथ के वही बात होती है, मैथ में वो एक्सपर्ट हो वो आप यहाँ पर क्लिक करके हल कर सकते हैं। उसके बाद सिंबल लाना हो कोई भी चीज़ का, जैसे इशारा, कोई फाइल आप बना रहे हैं तो उसमें आपको सिंबल चाहिए तो इस तरह ये शो करेगा। इसी तरह यहाँ पर कोई और सिंबल लाना चाह रहे हैं
तो इसका सिंबल के तौर पर आप लिखना चाह रहे तो ये सिंबल इस तरह आ जाएंगे। उसके बाद है पेज लेआउट, पेज की सेटिंग, कलर्स, मतलब जहाँ से जो कलर आप चेंज करेंगे, जैसे कि ग्रीन एंड येलो। अभी जैसे कि होम में हमारा कलर चल रहा है ऑफिस के कलर में सारे, जैसे मैं यहाँ से चेंज करूँगा ऑटोमेटली आपके कलर वहाँ से भी चेंज, जैसे येलो तो ऑटोमेटली यहाँ के भी चेंज हो जाएंगे। ये देखिए, तो जो आपको चेंजिंग यहाँ करोगे तो वहाँ होगा। अपना कलर बनाना चाहते हो तो कस्टम कलर में जाके यहाँ नाम लिखेंगे और यहाँ से जो कलर आपको नीड हो वो अपने नाम पे भी कर सकते हो। तो अभी ऑफिस पे रखते हैं, देखो ऑटोमेटिकली दोबारा ऑफिस के कलर फिर से सही होंगे। उसके बाद है मार्जिंग्स। मार्जिंग्स क्या होता है, जैसे कि लेफ्ट राइट, जैसे कि हमने वर्ड में भी काम किया, तो ये लेटर से नॉर्मल है। अब देखो ये फाइल कट रहा है यहाँ से, तो ये अगर मैं रखूँ तो ये देखो दो और कट गए, तो ये इनके सेटिंग है। अब देखो पीछे चला गया, तो अगर आप कस्टम मार्जिन में जाएंगे तो यहाँ आपको शो करेगा। अगर पेपर साफ का अगर मटेरियल बहुत बड़ा है, आप चाहे तो एक ही लाइन में शो हो या कुछ हो, जैसे अभी देखते हैं हम प्रिंट प्रीव्यू कितना आपको शो कर रहा है। तो यहाँ देखो नीचे से शायद कुछ चीज़ें कट रही हों या यहाँ से कट रही हों, तो आप यहाँ से भी आके कर सकते हो पेज सेटअप मार्जिन। वही चीज़ें वहाँ पर हैं यहाँ पर भी। अब जैसे टॉप में आप चाहते हो तो जगह में जैसे मटेरियल और भी नीचे है, तो आप अपना काम इस तरह करके कम कर सकते हो। ये देखो ऊपर आ जाएंगे और मजीद आगे। तो ये सेटिंग है, जैसे कि साइटों से आपको कम करना है, जैसे और भी पेज कॉलम्स हैं वो पूरे नहीं हैं, तो देखो इस तरह पूरे हो जाएंगे इसी तरह। तो ये होता है मार्जिंग्स, कम ज़्यादा करना। अब जैसे मैं इसको हटा दूँ तो ये इस तरह खिसकेगा। तो जैसे सेंटर में रखना है कोई चीज़, तो हॉरिजॉन्टली ओके करेंगे तो ये सेंटर में आ जाएंगे। यही चीज़ मैं आपको यहाँ बता रहा था, वही चीज़ें आपको वहाँ भी मिलेंगी। तो ये चीज़, उसके बाद ओरिएंटेशन प्रोट्रेट में काम होता है, लेकिन इसमें ज़्यादातर लैंडस्केप। देखो ये पेज इस तरह हो गया प्रोट्रेट में, आप तो जो काम प्रोट्रेट में करो तो प्रोट्रेट करके करोगे, लेकिन ज़्यादातर काम इसमें लैंडस्केप को होता है। तो ओरिएंटेशन में आते हैं लैंडस्केप, तो दोबारा आपका फाइल कंट्रोल एफ टू दबाएंगे, ये देखिए सही हो गया। उसके बाद साइज़ होती है, लेटर साइज़ होता है, लेकिन हम उमूमन A3 होता है बड़ा साइज़ होता है, A4 हमारा नॉर्मल होता है, A4 करते हैं। उसके बाद है प्रिंट एरिया। मिसाल के तौर पर मुझे सिर्फ यहाँ का हिस्से का प्रिंट निकालना है, नीचे भी मेरा डेटा है लेकिन वो नहीं निकालना है। तो आप इस तरह सेट प्रिंट एरिया को सिलेक्शन करोगे, अब आपको ये सिर्फ हिस्सा शो करेगा। ये देखिए, तो मैंने से ये सिलेक्शन दिया। अब जाते ख़त्म हो जाए तो ये देखें, मैं जब कदम करूँगा तो ये अब पूरा आपको शो करेगा। तो पहले आता शो कर रहा है, तो ये सिलेक्शन के ऊपर है। आप अगर आप चाहते सिर्फ इन दोनों का, तीसरे का नहीं चाहिए, तो आप प्रिंट सेट करेंगे। अब आप देखेंगे प्रिंट कंट्रोल F2 दबाएं, ये देखो 200 का प्रिंट शो करेगा। तो जितने भी इससे आपको चाहिए एक टाइम पर, तो आप इस तरह कर सकते हो। उसके बाद सिलेक्शन दोबारा ख़त्म करना है, क्लियर प्रिंट एरिया। उसके बाद है पेज ब्रेक। ब्रेक का काम मतलब ब्रेक करना, मिसाल के तौर पर आपको यहाँ से अपना पेज ब्रेक करना है, तो ये आपको प्रेज कर लेगा, ब्रेक कर लेगा। ये देखो यहाँ तक शो कर रहा है, उसके बाद नीचे से शो नहीं करेगा। इसी तरह ब्रेक को ख़त्म करना चाहते हो तो रीस्टॉल पेजेस, अब आपका शो पूरा करेगा। तो इसकी इस तरह सेटिंग होती है। बैकग्राउंड रखना चाहते हो पीछे, तो ये पेज तक महदूद होगा, बाकी जैसे ब्राउज है, नेट से आप लाना चाह रहे हैं कोई भी चीज़, मिसाल के तौर पर तो नेट स्लो है, हम यहाँ से ब्राउज से कर लेते हैं। जैसे कि पीछे मुझे ये बैकग्राउंड चाहिए, तो ये पीछे इस तरह आपका शो होंगे, लेकिन प्रिंट प्रीव्यू में आपको वही शो करेगा जो वाइट है। ये यहाँ तक सिर्फ वर्किंग तक आप कोई भी फाइल रख के काम कर सकते हो, नहीं चाहिए तो डिलीट आप कर सकते हो। ये भी टाइटल, उसके बाद यही एडजस्टमेंट कम करना। अब जैसे ये फाइल यहाँ तक शो कर रहे हैं आपके सामने, अब आप चाहते हो कि ये बाकी भी आ जाएं, तो आप एडजस्टमेंट को यहाँ से भी कम कर सकते हो।
और अगले बड़े फाइलें आते जाएंगे इस तरह। तो वही चीज़ देखो कम हो गई 75 यहाँ से भी कर सकते हो। इसी तरह इस फाइल को लिफ्ट टू राइट, राइट टू लिफ्ट, यहाँ से स्टार्ट राइट करते हैं तो ये के सारे सीरियल यहाँ आ जाएंगे, लिफ्ट से तो यहाँ से आएंगे, व्यू हट जाएंगे, हेडिंग्स हट गए क्योंकि हेडिंग्स थे यहाँ पर हट गए, रूलर हट गया, दोबारा लाना चाहते हो गाइडलाइंस आ गए आपके व्यू, तो इस तरह आपने कर सकते हो। अब ये बॉक्स पे काम करेगा, कोई बॉक्स आप ब्रिंग टू फ्रंट करोगे तो उस पर काम करेगा। उसके बाद फॉर्मूला है, आप फॉर्मूला यहाँ से भी निकाल सकते हो, तो इसमें एडवांस के भी हैं, लुकअप, एच लुकअप होता है हॉरिजॉन्टली। उसके बाद है ये भी एडवांस के काम है, रिव्यू में प्रोटेक्ट शीट आपको वहाँ से ही बता दिया, कमेंट बता दिया, सही है। तो व्यू में वही पेज ब्रेक, पेज को ब्रेक करना चाहते हो तो ये ब्रेक हो गया। पेज लेआउट के हिसाब से आएगा। कस्टम व्यूज भी फिलहाल कुछ नहीं है, ऐड करना चाहते हो, नॉर्मल काम करना है तो नॉर्मल में इस तरह काम। फार्मूला बार हट जाए, हेडिंग्स हट जाए तो व्यू के जरिए आप ला सकते हो, तो गाइडलाइंस, फार्मूला बार, हेडिंग्स दोबारा जाएंगे। जूम की सेटिंग है, 200 पे क्लिक, जूम करना चाहते हो बड़े बड़े नज़र आ जाएंगे, 100 नॉर्मल होता है। और उसके बाद अगर आप 50 पे रहेंगे तो छोटे हो जाएंगे, तो इस तरह आप नॉर्मल 100 पे कर सकते हैं। सिलेक्शन, इस तरह सिलेक्शन कम करना 100 के हिसाब से। अब जैसे कि यहाँ पर मैंने 2 फाइलें खोली हैं, अब ये तीसरा हो जाएंगे इसी का सेम। अब देखें 2, तो व्यू अरेंज ऑल, सबको एक साथ देखना है टाइटल वाइज, तो ये देखो 1, 2, 3। इसी तरह अरेंज ऑल हॉरिजॉन्टली वाइज, तो ये हॉरिजॉन्टली वाइज दिखाई दे रहा है। इसी तरह अरेंज ऑल वर्टिकली, तो आपको वर्टिकली शो करेगा इस तरह, एक टाइम पे यहाँ भी है यहाँ भी है, ऐसे बड़ा करते हैं। इसी तरह व्यू अरेंज ऑल कैसेट, एक के पीछे एक आएगा, ये देखें 1, 2, 3, तो इस तरह आपके कैसेट वाइज। बाकी ये स्प्लिट हाइड वगैरह करना चाहो तो ये तो ऐसा लगेगा कि कट गया, लेकिन कटा हुआ नहीं है, फाइल एक ही होती है। फिर दोबारा क्लिक करें तो ख़त्म हो जाए। स्विच विंडो आप यहाँ से भी ओपन कर सकते हो अपने फाइलों को, और यहाँ से भी हम ओपन कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, वहाँ से भी कर सकते हैं। माइक्रो रिकॉर्डिंग का काम करता है, इसमें इतना ज़्यादा वो नहीं है, रिकॉर्ड करना होता है। तो यहाँ पर बेसिक के जो चीज़ें थे वो मैंने आपको कंप्लीट करके बता दिया, ऑप्शन वगैरह चीज़ों को बता दिया कि कैसे काम होता है, कैसे क्या होता है। तो अब इसकी भी एक टेस्ट होगी लास्ट में, सही। फिर उसके बाद नेक्स्ट अपने प्रोग्राम की तरफ पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन के हवाले से हम बात करेंगे। तो जितने भी डेटा थे इसमें बेसिक की चीज़ें, तो हम यहाँ से कर सकते हैं। बेसिक चीज़ें आपको होम की चीज़ें बता दी हैं कि कैसे ऑटो सम, कैसे टोटल निकलता, फॉर्मूला, सीरीज ऑप्शंस, मार्कशीट कैसे बनता है, सेल शीट, ग्रेड का फॉर्मूला, एवरेज, परसेंटेज, टोटल, फिर उसके बाद सैलरी शीट, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, तो जो बेसिक चीज़ें इंपॉर्टेंट थी वो आपको मैंने बता दी। तो इसी के साथ अपने टीचर अब्दुल मुईद मोहसिन को इजाज़त दीजिए। कोई भी सवाल हो एक्सेल के हवाले से, क्योंकि एक्सेल एक बेसिक आपको मैंने सिखाया, एक होता है एडवांस, एडवांस में मुख्तलिफ और मज़ीद फार्मूले हैं, बहुत सारे फार्मूले हैं। तो इस तरह आप चीज़ों को देखें, समझें और टेस्ट की तैयारी कर लें। तो अब अल्लाह हाफिज़, फी अमानुल्लाह।